अजमेर भी लगातार कोरोना हॉटस्पॉट बनने के बाद सकरी और तंग गलियों में आसमान से नजर रखी जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अजमेर एसपी कर रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जा रही है। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में लगातार पॉजिटिव मामले आने के बाद ढाई दिन के झोपड़े से हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। ये ड्रोन कैमरा 2 किलोमीटर एरिया तक अपनी नजर रख सकता है, जिससे कि छत पर बैठे लोगों के साथ ही गली व अन्य इलाकों में पुलिस से बचकर बैठे लोगों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि संबंधित पुलिस को इसकी सूचना देकर उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा सके। अजमेर में लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और इसकी वजह लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करना है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में तंग गलियां और सक्रिय मकान और भीड़भाड़ वाले इलाकों होने के चलते पुलिस प्रशासन भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इसी के चलते अब ड्रोन कैमरे से लोगों तक नजर बनाने का काम शुरू किया गया है। ऐसे में अगर ड्रोन कैमरे की नजर में कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन की पालना नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। जी श्रीमान एसपी साहब, राष्ट्रजीत जी के आदेश अनुसार हम लोगों की टीम है बड़े ड्रोन की, और हम लोग आज ड्रोन के कैमरे को यहाँ पर दरगाह क्षेत्र एरिया में लेकर आए हैं। ये कर्फ्यूग्रस्त एरिया है जहाँ कोरोना की मार ज़्यादा पड़ रही है, और इस एरिया में हम इस ड्रोन कैमरे के जरिए जो मेन हॉटस्पॉट एरिया है, जैसे मोची मोहल्ला है, सिटी मोहल्ला है, नाला बाजार है, दरगाह का ये पीछे का एरिया है, अपने ढाई दिन का झोपड़ा जिस कैंपस हम उड़ा रहे हैं उसको, इस सभी एरिया को हम बाकायदा निगरानी रख रहे हैं इससे, और इस तरह से कोई अनावश्यक गलियों में घूम रहे हैं, छतों पर बैठे हैं, घूम रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जाएगी, उन पर कंट्रोल करेंगे, संबंधित अधिकारियों को बताएंगे ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें। सर, बड़े ड्रोन कैमरे में क्या पिक्चर है, इनकी कैसी क्वालिटी है और क्या इनका रिजल्ट, थोड़ा बताएंगे? जी, इसकी 2 किलोमीटर तो रेंज है, अपने 2 किलोमीटर चारों मेर इसकी रेंज है और 500 मीटर इसकी हाइट है सर इसकी, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसको 50, 70, 80 मीटर की ऊंचाई से हम इसको उड़ाते हैं, और इसकी अच्छी मतलब हाइड्रोलिक है, मतलब कैमरा अच्छा डिजिटल है, जो हम ऊपर से अच्छी अच्छी फोटोग्राफी कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, आसानी से हम देख सकते हैं कि नीचे क्या गतिविधियाँ हो रही है, हम देख लेते हैं। आपकी टीम में कितने लोग शामिल हैं? सर, मैं हेड कांस्टेबल राजीव कुमार, मेरे साथ ये 4 कांस्टेबल हैं सर, 1 लाइन से हैं, 2 एसपी ऑफिस से हैं, और हम लोग काम कर रहे हैं।